बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू बिज़ बाय एमटीटी के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अमेज़न ड्रॉप शिपिंग लेक्चर 7, सस्पेंशंस एंड अपील्स। कि अमेज़न का अकाउंट अगर आपका सस्पेंड हो जाता है तो आपने उसको अपील क्या करनी है और किस टाइप कितनी टाइप्स ऑफ सस्पेंशन आ सकती है अमेज़न ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में या ओवरऑल अमेज़न के अकाउंट्स पे। तो हमारा चैनल प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बिफोर वी प्रोसीड, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल का आइकन भी काइंडली दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे अमेज़ॉन अकाउंट सस्पेंशन एंड अपील्स की। अमेज़ॉन की अकाउंट की सस्पेंशन क्या है, टाइप्स ऑफ सस्पेंशन क्या है, पॉलिसीज ऑफ कंप्लाइंस एंड हाउ टू अवॉइड देम, हाउ टू सबमिट प्लान ऑफ एक्शन अगेंस्ट ईच सस्पेंशन। पहले टाइप्स ऑफ सस्पेंशन कहाँ कहाँ और किस किस बिजनेस में आती हैं। इनवॉइसेस सस्पेंशन होती है, रिव्यू मैनिपुलेशंस है, रिलेटेड अकाउंट है, आईपी कंप्लेंट जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, ऑर्डर सस्पेंशन है, ड्रॉप शिपिंग वॉयलेशन है। अब जब आती है इनवॉइस सस्पेंशन तो वो आती है होलसेल के बिजनेस में और ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में। इनवॉइसेस सस्पेंशन तब आती है जब अमेज़न आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट लिस्ट की होती है और आप उसके ब्रांड को सेल करते हैं विदाउट उसको नो हाउ के, और जब वो आप कुछ जैसे के बाद अमेज़न उसके ऊपर आ जाता है या उसका ब्रांड जो है ना उसको पता लगता है तो वो आपके ऊपर एक से आपकी लगो डाल देते हैं, कंप्लेंट डाल देते हैं कि ये फेक है या इस तरह कोई कंप्लेंट आ जाए। तो वो अमेज़न आपसे क्या करता है कि या कस्टमर कोई आपके ऊपर कंप्लेंट कर दे कि प्रोडक्ट मुझे डैमेज थी या फेक थी या ओरिजिनल नहीं थी, तो आपको अमेज़न कहता है कि आप इनवॉइस या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्रोवाइड करें। तो अगर आप लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं लिया तो आपको इनवॉइसेस देनी पड़ती हैं जहाँ से आपने बाई की होती चीज़, ठीक है। तो वो ब्रांड की इनवॉइसेस होनी चाहिए जिस ब्रांड से आपने बाई किया, लेकिन अगर आप होलसेलर डीलर होता है कोई दूसरे भी लेके या उसको भी लिस्ट में भेजेंगे तो वो भी एक्सेप्ट हो जाती है। तो ये होती है इनवॉइस सस्पेंशन जो कि होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में आती है। रिव्यू मैनिपुलेशन तीनों में आ सकती हैं कि आपने रिव्यू मैनिपुलेट किए हैं या आपने फेक रिव्यूज़ दिए हैं इस तरह, तो वो तीनों में आ सकती हैं, पीएल में भी, ड्रॉप शिपिंग में भी, होलसेल में भी। रिलेटेड अकाउंट मैटर कि आपने एक अकाउंट बनाया, सेम डिटेल्स पे कोई दूसरा अकाउंट बन गया या एक ही आईपी पे आप अकाउंट स्टार्ट थे दूसरा भी चला, तो वो रिलेट हो जाते हैं। जब वो रिलेट होंगे तो वो पीएल में भी हो सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग में भी एंड होलसेल में भी हो सकते हैं। तो ये रिलेट अकाउंट का मैटर होता है। इसमें क्या करना होता है कि आपका एक अकाउंट आपको क्लोज करना है, दूसरा फिर रनिंग में आएगा। अगर आपके दोनों नहीं क्लोज करते तो दोनों आपके सस्पेंड हो जाते हैं। आईपी कंप्लेंट होती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज मेरा ब्रांड है ईबेस, अगर आपको में से कोई भी उसको ईबेस के नाम से इनलिस्ट करेगा तो डेफिनेटली वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मेरी, मेरा राइट है, मैं उसको रजिस्टर करवा चुका हूँ। तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसके ऊपर आपके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कंप्लेंट डालूंगा मैं। तो वो जो कंप्लेंट आप ब्रांड ऑनर या कोई भी डालता है तो उसे होलसेल या ड्रॉप शिपिंग में उसे आईपी कंप्लेंट कहते हैं। ऑर्डर सस्पेंशन क्या है, ओडीआर जिसको ऑर्डर भी कह लो या ओडीआर भी कह लो या ऑर्डर डिफेक्ट रेट भी कह सकते हैं। ऑर्डर डिफेक्ट रेट ये है कि आपकी सस्पेंशन ओडीआर जो है वो आपका लेस देन 1 होना चाहिए। अगर वो इंक्रीज़ कर जाता है किसी भी वजह से, जिसमें आते थे 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वो आपकी सस्पेंशन वो पीएल में भी हो सकती है, ड्रॉप शिपिंग एंड होलसेल। और ड्रॉप शिपिंग वॉयलेशंस जो हैं, जिस तरह आपकी पैकेजिंग वॉयलेशंस है उसकी, आपने कस्टमर्स को जो है ना रिटर्न वो नहीं भेजना, किसी और की पैकेजिंग में चीज़ नहीं भेजनी, अगर आप अमेज़न से मंगाए तो अमेज़न की पैकेजिंग में जाए, तो इस तरह की ड्रॉप शिपिंग वॉयलेशंस आती हैं जिसमें फर्स्ट वॉयलेशन, सेकंड वॉयलेशन, थर्ड वॉयलेशन आगे डिस्कस करेंगे। सस्पेंशन ओनली फॉर ड्रॉप शिपिंग, आज हम बात करेंगे सस्पेंशन ओनली फॉर ड्रॉप शिपिंग, बिकॉज हम ड्रॉप शिपिंग का मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। तो सस्पेंशन ओनली फॉर ड्रॉप शिपिंग अकाउंट्स कौन कौन सी हैं, ड्रॉप शिपिंग वॉयलेशंस हैं ड्यू टू सम अदर पैकेजिंग नॉट अमेज़न पैकेजिंग। ये मैंने आपको बताया कि ड्रॉप शिपिंग की वॉयलेशंस तब आती है जब आपने कोई भी प्रोडक्ट भेजी और वो ड्रॉप शिपिंग की बजाय वॉलमार्ट की पैकेजिंग में चली गई या किसी कॉस्टको की पैकेजिंग में चली गई, तो आपकी ड्रॉप शिपिंग वॉयलेशंस आ जाती है। आगे आ जाता है, इसमें इंक्लूड होता है इनऑथेंटिक आइटम्स भी आ सकते हैं, आस्क फॉर इनवॉइसेस हो सकती हैं, आईपी कंप्लेंट्स भी आ सकती हैं। अगर आपके सामने ये सस्पेंशन आ जाए जो कि यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है, ये देखें, ये इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ आपके लिए, सम ऑफ द रिसेंट ऑर्डर हैव वायलेटेड ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी, यू हैव फुलफिल्ड ऑर्डर विल बी डीएक्टिवेटेड इन 72 आवर्स,
इफ यू डोंट एड्रेस दीज इश्यूज, आपने क्या करना है, बी द सेलर रिकॉर्ड ऑफ योर प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज अ सेलर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन पेपर पैकेजिंग स्लिप्स एंड अदर, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग कस्टमर रिटर्न्स, कंप्लाई विद दिस, ठीक है, सेंड अ प्लान ऑफ एक्शन। आपने इसमें क्या करना है, कॉल देम, आपने अमेजोन कस्टमर को कॉल करनी है, कस्टमर सपोर्ट को, ठीक है, उनको कहना है कि यस हमें जो है ना ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी आई है, वॉलेशंस आई है, फर्स्ट वॉलेशंस आई है, ड्यू टू सम हाउ हमसे जो है ना बाई मिस्टेक जो है ना हमने वॉलेट किया है, और हमने क्या किया है कि हमने उसकी पैकेजिंग किसी और की भेज दी है, हम उसको रिसाइकल कर रहे हैं और हम जो है ना इसकी पैकेजिंग चेंज कर देंगे, ठीक है, ये आपने एड्रेस करना है उनको कॉल करके, और उसके बाद क्या होगा कि आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है विद इन वन डे, ठीक है। नेक्स्ट, इनवॉइस सस्पेंशन, ड्यू टू इनऑथेंटिक प्रोडक्ट आई अमेजोन ने आपसे इनवॉइसेस डिमांड किया, आपने क्या करना है, यूर सेलर अकाउंट, आपको नोटिफिकेशन ये आएगा, यूर सेलर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड एंड यूर लिस्टिंग हैज बीन रिमूव्ड, फंड्स विल नॉट बी ट्रांसफर्ड बट टू यू हेल्ड ऑन योर अकाउंट, आपका प्रोडक्ट इनऑथेंटिक है। अब इनऑथेंटिक में जो है आपकी जो फंड्स हैं वो कभी भी नहीं निकलते, वो हमेशा आपके अकाउंट में स्टक ही रहेंगे, क्योंकि इनऑथेंटिक की पॉलिसी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट इनऑथेंटिक निकलती है तो आपका फंड आपको अमेजोन रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। आपने इसमें इनवॉइसेस देनी होती हैं, आपने उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान ऑफ एक्शंस देने होते हैं जिसमें ग्रेटर फीस भी आ जाती हैं, तो आपका अकाउंट तभी रीएक्टिवेट होता है और वो जो है ना आपका हो जाता है, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। ये देखें 5 दिसंबर 2020 को ये सस्पेंशन आई है और ये 16 दिसंबर 2020 को रिमूव हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट मोर देन 9 डेज थिंग, अच्छा ड्रॉप शिपिंग में जो आपने काम करना है ताकि आपको सस्पेंशन ना हो उसमें क्या है, पहले आपने 90 डेज जो है ना 9 लिस्टिंग करनी है सिर्फ, हर महीने की लिस्टिंग आती है 3, ठीक है। प्रोफेशनल पीपल हु वांट टू रन फर्स्ट अकाउंट फर्स्ट, प्रोफेशनल पीपल हु वांट टू रन फर्स्ट अकाउंट फर्स्ट सम डेज दे सस्पेंड अकाउंट एंड गेट इट रीइंस्टेटेड बाय प्रोवाइडिंग देम इनवॉइसेस। जो बड़े बड़े ड्रॉप शिपर्स हैं वो ये काम करते हैं कि सबसे पहले जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं वो कोई ऐसी वॉलेट कर देते हैं ताकि अकाउंट सस्पेंड हो जाए, उसके बाद उसको रीएक्टिवेट करते हैं, जब रीएक्टिवेट हो जाए तो उसके बाद उस अकाउंट के ऊपर दोबारा सस्पेंशन नहीं आती, तो वो अकाउंट जो है ना स्मूथली रन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लान ऑफ एक्शंस क्या होंगे, विद इनवॉइसेस प्लान ऑफ एक्शन इज अवेलेबल, सैंपल अपलोडेड है, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या होगा आपका, ऑर्डर डिफेक्ट रेट रीजंस, इसमें क्या होता है, ए टू जी क्लेम्स आ जाते हैं आपके, नेगेटिव फीडबैक्स होंगे, चार्ज बैक क्लेम्स होंगे, तो आपका ऑडीआर वो करते हैं डिफाइन करते हैं, ए टू जी क्लेम्स जितने ज़्यादा होंगे या नेगेटिव फीडबैक्स आपके होंगे या चार्ज बैक क्लेम्स होंगे तो इससे आपका ऑडीआर डिफाइन होता है जो कि लेस देन 1% होना चाहिए। अगर ग्रेटर है तो आपको जो है ना एक ईमेल आती है, वी अटेम्प्ट टू रीच यू आउट दैट यू डिस्कस अबाउट अकाउंट मोर देन 1% ऑफ योर ऑर्डर इज डिफेक्टेड एंड यू हैव 72 आवर्स, आपको 72 आवर्स का टाइम मिलता है। उसके बाद अदर पॉलिसी वॉलेशंस, इसमें प्राइसिंग आ जाती है, ठीक है, आपकी प्राइसिंग जो है ना वो आपने अपडेट करनी होती है, आप अगर फ्रीक्वेंटली अपनी प्राइस चेंज कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट पॉलिसीज है प्राइसिंग जो है फिर प्राइस पॉलिसी होती है वो आप वो करेंगे डिसोबे करेंगे। पॉलिसी कंप्लाइंस क्या होगी, गुड एट रिस्क एंड डीएक्टिवेटेड, आपकी पॉलिसी कंप्लाइंस के थ्रू अकाउंट आपका हेल्थ डिसाइड होती है जो कि गुड एट रिस्क एंड डीएक्टिवेट भी हो सकता है, ठीक है। आपने उसका सोल्यूशन क्या, अपडेट प्राइसिंग है, अपडेट लिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, क्लोज लिस्टिंग है, ठीक है। आईपी कंप्लेंट आए तो प्राइवेट मैसेज करें, ऑफिशियल नोटिस आएगा तो उसको आप उसको देखें कि वो नोटिस जेन्युइन है या नहीं है, अगर वो जेन्युइन है तो आप उसको रीच आउट करें, उनसे बात करें, उनसे कहें कि आप कंप्लेंट वापस ले लें और मैं अपनी लिस्टिंग क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, वो कंप्लेंट आपकी वापस ले लेगा। आपने क्या करना, क्लोज करनी है लिस्टिंग, राइट एन ईमेल विद अपोलोजाइज टू विद सम रेफरेंस ऑफ बाइंग ऑफ योर प्रोडक्ट्स, इट कैन बी एक्सेप्टेड, मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड डज नॉट रिस्पॉन्ड। जब आपको ब्रांड रिस्पॉन्ड ना करे तो आप ईमेल का स्नैप भेजें, अमेजोन को प्लान ऑफ एक्शन लिखें कि जी मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये फेक है और ये जेन्युइन अभी नहीं है, अगर जेन्युइन होता तो ब्रांड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करता, मैंने उसको अपोलोजाइज किया और मैंने लिस्टिंग भी क्लोज कर दी, कैंडली आप मेरे अकाउंट की सस्पेंशन रिमूव करें ताकि मैं प्रोफेशनली सेलिंग कर सकूं, तो वो आपकी सस्पेंशन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड काइंडली कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।